तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी को लेंगे और एक एग्जांपल के साथ उसको वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है कि अगर मैं एक डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये हमारा मैट्रिक्स था, ठीक है, इसको डिटरमिनेंट बना देते हैं ना, हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो ये डिटरमिनेंट बन गया। अब जैसे ही डंडों को हटाया डिटरमिनेंट बन गया, ठीक है। तो अब इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या, अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट तो हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करके। तो मान लो रो वन के अलोंग एक्सपेंड किया और डिटरमिनेंट यहाँ लिख लो और फिर इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। तो अब इसका भी डिटरमिनेंट निकाल के देख लो भाई, दोनों सेम आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू रो कॉलम के इंटरचेंज करने से नहीं बदलती है। तो अब एक काम करें, इसको फटाक से निकालें और वेरीफाई करें, तो ये दोनों सेम आया होगा। मैं कैलकुलेट करना भी इसको ज़रूरी नहीं समझता, सोचो क्यों, ए वन वन, ए वन टू, एन थ्री, रो वन के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, सी वन के अलॉन्ग इसको कर देता हूँ। अब तुमको तो मालूम है ना किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर वैल्यू सेम आती है ना, तो इसका मतलब ये दोनों सेम आए होंगे, बात ही ख़त्म हो जाती है। हाँ तो अच्छा तो है, बस समझने वाली बात थी कि अगर इंटरचेंज कर दें रो और कॉलम को तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। अब देखो चमत्कार अब अगले वाले में होगा, अगले वाले में ऐसा है ना कि जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी बहुत प्यारी सी है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर मैं किसी दो रोस को मतलब दो इंटरचेंज कर दूं, मतलब रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दूं या सी वन या सी टू को इंटरचेंज कर दूं या सी टू सी थ्री को कर दूं, किसी भी दो रो या कॉलम को मैं अगर इंटरचेंज करूँगा ना तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो अब इस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा ना। तो इसका डिटरमिनेंट तो तुम लोग एक बार में निकाल के रख ही लो इसको, और बार बार इसको तुम लोग यूज़ करना ही है। अब क्या करो, इसका एक रो इंटरचेंज कर देते हैं, चलो हम क्या करते हैं सी टू को सी थ्री से इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये कैसा बनेगा, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, और ये यहाँ चला आएगा ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री टू, और इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो। देखो इसमें जो आएगा ना उसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला आएगा, ट्राई करो फटाफट, तो ये आया, सबका आ गया होगा, इसमें जो भी आया यहाँ पे वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा या इसमें माइनस करोगे तो ये आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे सी टू और सी थ्री को इंटरचेंज किया है, मतलब मैं यहाँ पे ऑपरेशन जो करूँगा C2 टू गोज टू सी थ्री, ऐसा C2 और C3 का इंटरचेंज हुआ है। पिछला वाला जो प्रॉपर्टी था उसका ऑपरेशन मैंने नहीं लिखा ना, तो वो डायरेक्ट था, वो RI इंटरचेंज विद CI, सिंपल, ठीक है ना। वैसे ये ऑपरेशन तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी सीख ही चुके हैं कैसे लिखते हैं। चलो तो अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, और अगली प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इतना उससे वो प्रॉपर्टी इतना अच्छा है ना कि हम लोग हमेशा उसी को यूज़ करेंगे जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। ऐसा ऐसा मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि भगवान ने गिफ्ट दे दिया है क्वेश्चन में। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना वो ये बोलती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम कोई भी सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, ये तो मैंने बोल दिया। अब तुम लोग इसको वेरीफाई करके दिखा दो फटाफट, मस्त। तो ये जीरो आ गया होगा, इसमें कोई खास पंचायत करने की जरूरत तो ऐसे भी नहीं थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी बोलती है
क्या बोलती है ना, अगली प्रॉपर्टी जो बोलती है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये बोलती है कि अगर मैं किसी भी एक रो या एक कॉलम को डिटर्मिनेंट के अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के टाइम्स आएगी। ट्राई करते हैं चलो। तो ये तो इसका डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही सकते हो। अब हम एक रो को मल्टीप्लाई कर देते, चलो तो KA12 और KA13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलो इसको सॉल्व कर लो, देख लो आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई होगी उसमें K मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट निकालो और वेरीफाई करो इसको। देखो हाँ, तो इसमें जो डिटरमिनेंट यहाँ पे आया होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आया होगा वो के इंटू दैट वैल्यू आई होगी। तो ये सिंपल सी हमारी प्रॉपर्टी रही। तो इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे आता है, इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे आता है कि हमारे पास कोई भी ऐसे वैल्यूज़ दी होगी ना, तो इसमें से हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी कॉन्स्टेंट कॉमन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, जिससे क्या होता है हमारा काम आसान हो जाता है। अब सोचो यही जो ये वाला डिटर्मिनेंट था, अगर ये कुछ ऐसा बन जाए, मतलब मैं ना यहाँ पे वैल्यूस ये डाल दूँ A11, A12, A13, तो अब ये जो रो 2 है इसका और ये जो रो 1 है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि रो 1 इज इक्वल टू के रो 2। इसका मतलब रो 2 में के मल्टीप्लाई करने से मुझे रो 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि R1 एंड R2 आर प्रपोर्शनल। और ऐसे केसेस में अगर मैं यहाँ से के बाहर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा तो आँख खोल के, ये के बाहर आ जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये दोनों जैसे ही सेम होंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी हेल्प करेगी। हम लोग किसी चीज़ को कॉमन निकालेंगे, रोज या कॉलम को प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे और डिटर्मिनेंट जल्दी से 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी 5 के लिए क्या है कि हमारा जो कहाँ गया, हाँ ये तो हमारे जो वैल्यूज़ है ना वो कुछ ऐसे हैं। अब इसमें हम लोग कुछ अलग वैल्यूज़ लेते हैं। चलो तो हमारा जो ये है ना डिटर्मिनेंट, वो कुछ ऐसा है, मान लो A1 प्लस लैम्डा 1 और ये है B1 C1, A2 प्लस लैम्डा 2 B2 C2, A3 प्लस लैम्डा 3 B3 C3। जब इस टाइप का कोई डिटर्मिनेंट हमको दिखेगा ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दो सेपरेट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और वो डिटर्मिनेंट कैसे दिखेंगे, तो पहला होगा, देखो इसके फर्स्ट टर्म्स को ले लो, A1 A2 A3 को, तो A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक? तो ये होता है। अब इसका वेरिफिकेशन क्या है भाई, तो इस पार्ट का डिटर्मिनेंट निकाल के नीचे लिखो, इज इक्वल टू, देखना डिटर्मिनेंट ऑफ Delta 1 प्लस Delta 2 मिलेगा तुमको। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका निकालो, दोनों को ऐड करो, देखो इसके इक्वल आएगा। ठीक है? चलो डू इट। तो ये आ गया होगा सेम, दोनों का कैलकुलेशन, इन दोनों को कैलकुलेट किए, इसके जोड़ दिए, इसके इक्वल आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसा मत सोच लेना कि भाई इस रो के साथ हुआ तो केवल इसी के साथ कर सकते हैं, ना 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 ना, अगर ये इसके साथ होता तो भी कर सकते थे। ठीक है? इस कॉलम के साथ भी होता है इस तरीके से, तो भी उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते थे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में। ठीक है? तो अब प्रॉपर्टी 6 पे चलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करते हैं और जिनको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी किए हुए हैं, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है मान लो। और इस डिटर्मिनेंट में मैंने क्या किया, मैंने ना कोई एक मान लो R1 है, मैं मान लो किसी ith रो पे
मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ कि आर आई प्लस सम के आर समथिंग जे, लेट अस अज्यूम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ जिसमें मैं किसी एक रो में किसी बाकी अदर किसी भी रो का कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो इस टाइप का ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। कॉलम के साथ भी ये पॉसिबल है कि सी आई प्लस के सी जे, तो इस टाइप के ऑपरेशन में मैं कर कह रहा हूँ कि मैंने कोई एक रो सेलेक्ट की है और उसमें किसी अदर रो या किसी अदर कॉलम, कॉलम के सिलेक्शन के केस में मैं उसको कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है ना कि इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, तो अब इस चीज़ को भी वेरीफाई अपने करना पड़ेगा भाई। तो चलो हम लोग एक ऑपरेशन लेते हैं कि आर वन गोज टू आर वन प्लस के आर टू, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, चलो ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाएंगे तो आर वन जो है प्लस के आर टू हो जाएगा, तो ए वन प्लस के बी वन, ए टू प्लस के बी टू, ए थ्री प्लस के बी थ्री, और ए बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। तो अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो भाई, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो और यहाँ से भी निकालो, देखो दोनों डिटर्मिनेंट सेम आएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। फटाफट निकालो डिटर्मिनेंट। तो देखो अब इसको प्रूव करने जाओगे ना तो मौत आ जाएगी, तो आंखें खोल के दुनिया देखना क्यों सीखोगे भाई। अभी पिछली प्रॉपर्टी सिखाए थे ऐसे चीज़ों को ब्रेक कर सकते हो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट, तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, और प्लस क्या है भाई के बी वन के बी टू के बी थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अरे इसके तो रोस प्रोपोर्शनल निकले, इसका डिटरमिनेंट जीरो, अरे ये तो सेम ही आ गया। तो ये सिंपल था ना, तो ये इतना सिंपल था। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं, प्रॉपर्टीज़ इसलिए है ना कि हमारे काम को आसान कर रही हैं। हमने एक एक को वेरीफाई इसलिए किया कि भाई मैथ्स पढ़ रहे हो ना, बिना किसी प्रूफ के किसी चीज़ को वैलिड नहीं मानना है, ठीक है। अब रुक जाओ, अभी हाँ, अब एक चीज़ इसमें ध्यान ये रखना क्या कि भाई एक ऑपरेशन कर रहे हो, एक स्टेप में तुम दो तीन ऑपरेशन मत करो, ये हर एक स्टेप में एक एक ऑपरेशन ही करना। ऐसा इसलिए कि एक ही ऑपरेशन में मान लो ये रो अफेक्ट हुई ना इस ऑपरेशन की वजह से, और तुमने कहीं दूसरे ऑपरेशन में कुछ ऐसा ना कर रखा हो, यहाँ पे तुम ये ऑपरेशन अगर करते तो ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है भाई, कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने से पहले तुम आर वन को अगर साथ में यूज़ कर दोगे तो तुम वैल्यूज़ को खिचड़ी बना दे रहे हो, और वैल्यूज़ जो एक्चुअल डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये हम लोग एक और देख चुके हैं कि अगर आर आई में मैं के आर आई करता हूँ तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो डेल्टा था वो डेल्टा के डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी छः प्रॉपर्टीज़ थी। अब इन छः प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमको कई सारे प्रूफ्स करने हैं जो न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लास में करेंगे, और इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज के सवाल भी हमारे पास हैं। तो इन सवालों में इन्हीं छः प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, और आंखें खोल के अगर देखोगे ना तो कुछ कॉमन निकलेगा, कहीं किसी में दो रो सेम मिल जाएंगे, कहीं दो कॉलम सेम मिल जाएंगे, कहीं ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी ब्रेक करने वाली। तो इससे हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान होंगे, बहुत आसानी से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करना है।